देखो भैया, अभिप्राय की भूल मिटना ही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। परिणाम और क्रिया तो उस अभिप्राय के सुधरने पर अपने आप ही धीरे धीरे सुधर जाते हैं। देखो, ये परिणाम और क्रिया क्या है? परिणाम और क्रिया है पेड़ के पत्ते जैसे, क्या 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 किसके जैसे, और अभिप्राय है उसकी जड़। समझ में आया? तो जैसे कोई जड़ सहित पेड़ काट दे तो एकदम से पत्ते सूख तो नहीं जाते, टाइम लगता है। तो अगर जैसे जड़ कट गई नीचे से, समझ में आया, तो ऊपर से पेड़ कैसा दिख रहा है? हरा। लेकिन कितने दिन दिखेगा? कुछ ही दिन दिखेगा। इसलिए अभी एक दिन डॉक्टर साहब बता रहे थे भजन में कि जो सरकार मना करती है कि पेड़ नहीं काटना, तो कुछ लोग बदमाश होते हैं तो वे क्या करते हैं, दवाई रखते हैं और इंजेक्शन वो पेड़ के उसमें डाल देते हैं नीचे जड़ में, और बेचारा वो जड़ से सूख जाता है, ऊपर से हरा भरा दिखता रहता है समय। और उनको पता रहता है कि ये 15 दिन में ख़त्म हो जाए, और 15 दिन में बेचारा बिल्कुल सूख के एकदम उसके पत्ते पत्ते गिर जाते हैं और बिल्कुल मर जाता है, समझ लो। समझ में आया? फिर वो काट ले जाते, क्योंकि सूखे पेड़ को कोई भी ले जा, समझ में आया? तो वो सूखा कैसे, क्योंकि जड़ का जड़। अब ऊपर के पेड़ पर ऊपर की डाल काट ले जाए, ऊपर के पत्ते ले जाए, तो पेड़ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही ये परिणाम और ये जो क्रिया है, ये तो उस अभिप्राय से ही निरंतर बनते हैं। तो देखो, अब मेरा आज मान के चलो मिथ्या दर्शन चल रहा है, तो मेरे परिणाम और मेरी क्रिया, ये भले ही शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, इनसे मिथ्यात्व का संसार का नाश होने वाला नहीं है। अब अंदर चलो कि मैंने भेद ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के बल से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान किया, तो मेरा अभिप्राय सम्यक हो गया, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो अभी भले ही मेरी परिणति में अशुभ भाव चले, भले ही मेरे को आपको पंचेंद्रिय विषय भोगों में मेरी प्रवृत्ति दिखे, तो भी वो ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। अब वो ज्यादा दिन का अर्थ नहीं समझते अपन। पेड़ को 15 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक 10 भाव भी लग सकते हैं। कितने भाव? वो चारित्र में वीतरागता प्रकट होने में पूर्णता 10 भाव भी लग सकते हैं, लेकिन उसका आधार वो सम्यक दर्शन ही है। इसलिए तुम पहले परिणाम बदलने की सोचते हो अथवा क्रिया बदलने की सोचते हो, और ये सोचते हो कि क्रिया सही करेंगे तो परिणाम सही रहेंगे, और परिणाम सही रहेंगे तो अभिप्राय बदल जाएगा। ये मान्यता जन्मों जन्मों से है हमारे। क्यों है? क्योंकि अभिप्राय तो जीव को दिखता नहीं, और ये परिणाम और क्रिया दिखती है। तो परिणाम क्रिया दिखती है तो वो सोचता है कि क्रिया सुधर जाएगी तो परिणाम सुधर जाएंगे। जैसे लोगों की मान्यता क्या है कि मंदिर में जाएंगे तो परिणाम सुधर जाएंगे, और दुकान पर जाएंगे तो परिणाम बिगड़ जाएंगे। है नहीं मान्यता ऐसी? हम जब तक मंदिर में रहते हमारे परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, और हम दुकान जाते हैं तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो वास्तव में ये जो तुम परिणाम मंदिर में आए सुधर गए, और दुकान पे गए तो वे परिणाम बिगड़ गए, वे कोई परिणाम सुधरना बिगड़ना नहीं है, और उनका कोई बहुत फल नहीं है संसार अन संसार। दे तो मान्यता होती है कि हम मंदिर में आ गए तो यहाँ पे अपन उपयोग अपने भगवान में उनमें लगा लिया, उतनी देर के लिए वो शुभ भाव रुक गया माने है तो वही, लेकिन वो दिखता नहीं। और जैसे ही पर्दा हटा, इसके लिए मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे तुम फिल्म देखने गए तो फिल्म में जैसे जैसे दृश्य आते हैं तुम्हारे परिणाम वैसे वैसे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? तो ये परिणाम सच्चे हैं कि झूठे हैं? झूठे, काल्पनिक। जैसे तुम उसमें कोई दम थोड़ी है, ऐसे ही तुम मंदिर में आ गए और भगवान के सामने खड़े हो गए, नमोकार, मत तुम्हें लगता हम पापों से बच गए। अरे भाई, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के बिना पाप से बचोगे क्या? इसलिए फिर लोगों को क्या होता है कि मंदिर में रहते हैं तो परिणाम थोड़े अच्छे लगते हैं, घर जाते हैं तो उनके परिणाम बहुत तीव्र क्रोधित हो जाते हैं। बात यह है कि वो तुम्हें लग रहा है कि परिणाम वहां अच्छे थे, यहां परिणाम तो बे के बे ही है, उनमें कोई कुछ दम नहीं है। ये थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, ये तो जन्मों जन्मों से चल रहा है। और अभी देखो तुम्हारे परिणामों की स्थिति, इसी मंदिर में तुम्हें अच्छे लग रहा था ना, तो बैठो 10 बजे तक, फिर देखो परिणाम।
तो ये तो तुम्हारी रूटीन आदत हो गई है कि आधा घंटा मंदिर में जाएंगे तो शांति से भगवान के दर्शन करेंगे, तो उस मान्यता के कारण उतनी देर वो परिणाम रुके रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? है कोई दम नहीं उस दम। और सम्यक दृष्टि को देखो, सम्यक दृष्टि को ना मंदिर और ना तुम्हारी दुकान, उसकी वेद ज्ञान की धारा कैसी भी परिस्थिति में रहे वो निरंतर चलती रहती है। तो अच्छा एक बात बता, उस वेद ज्ञान की धारा चलने से उसके परिणामों में अत्यंत निर्मलता रहती होगी कि नहीं? रहती है। तो उसको शुभ भाव सहज बनता रहता है कि नहीं? और अज्ञानी को शुभ भाव कितना मुश्किल है कि बेचारा मंदिर आवे, धोती पहने, ये करे वो करे, पता नहीं क्या क्या, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। बोलो, यहीं पे जरा सा अपन पूजा पाठ करते हैं और जरा सा अपने किसी ने ठोकर लगा दी अपने को, जरा सी अपने मान को ठोस पहचाए तो देखो पूजा सब खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? होती है कि नहीं होती है? अभी देखो आप इतना स्वाध्याय शांति सुन रहे हैं, मैं जरा सा एक अब शब्द बोल दूं आपके लिए, बोलो आपको एकदम ऐसा लगता है ना बंद कर, कितनी कसाय भड़क जाती। तो भैया ये कसाय कोई परिणाम बदलने से, क्रिया बदलने से, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने से नहीं बदलता है असलियत में। ऊपर ऊपर से बदला लगता है। कई लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा तो बहुत आनंद आ गया, अब बहुत अच्छा हो गया। तो वो कितनी देर है? वो तो भैया तुम गांव नगर से ग्राम से दूर चले गए हो और वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन बढ़िया है, कोई है नहीं, तो तुम्हें शांति शांति लगती है, लेकिन वो आत्मा की शांति नहीं है, वो स्वभाव से प्रकट नहीं हुई है। वो तो वहाँ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से वहाँ तुम्हें कसाय प्रकट करने का कोई निमित्त नहीं बचा। समझ में, इसलिए वो कसाय दिखती नहीं है। और वही अभी तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ जाए, कहाँ उसी पहाड़ पे रोटी नहीं मिले, समझ में आया, अनुकूल साधन नहीं मिले, तो तुम्हें उसी पहाड़ में बेचैनी होने लगेगी। होता है कि नहीं होता है? हैं? समय से करके किसी भी पहाड़ पे चढ़ो और धूप आ जाए तो कैसा लगता है? ये भगवान जल्दी भाग जाए। क्यों? अब देखो कि अब वो कसाय प्रकट होने का चांस आया। तो ऐसे ही ये अभिप्राय की भूल मूल भूल है, इसलिए अपने को अभिप्राय पे ध्यान देना चाहिए। देखो परिणाम में एकत्व नहीं हो, शुभ अशुभ भाव में एकत्व नहीं हो, ये पुरुषार्थ है। शुभ अशुभ अपने आप में कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो अपनी भूमिका के अनुसार हुए बिना रहता नहीं, पकड़ में आ गया। तो देखो शुभ भाव की जो ये शुभ भाव है ये पराधीन है, ये पर के आश्रय से होता है, इसलिए तुम ये पर की दया भया पालने का भाव आता है तो भी अंदर ये मान्यता रखना कि ये भाव मेरा स्वभाव नहीं है और ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है कि मैं किसी की दया पालूं।